उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद लगातार आरक्षण की बात भी करते आए हैं और लगातार वो कहीं ना कहीं जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी अपनी भागीदारी दिखाते हैं और 10 प्रभारी भी नियुक्त किए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बात करते हैं आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या मुद्दा था आपका? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था कि एक तो मछुआ समुदाय के हितों के लिए निषाद पार्टी लंगर करती रही, केंद्र में मंत्रालय बना, उत्तर प्रदेश मंत्रालय बना, मैं यहाँ पहले की अपेक्षा अभी विभाग बहुत ग्रोथ किया है और स्पीड से ग्रोथ करे उसके लिए पुराने नियम बदले जा रहे हैं। एक 1983 का नियम था जिसकी वजह से एक जल क्षेत्र में एक ही समिति बनती थी, या तो समिति निष्क्रिय या उदासीन होती थी या माफिया के हाथ में होती थी, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं था तो उसे बदल दिया गया कि नदियों के 100-100 किलोमीटर एक ही आदमी रहता था माफिया, फिर छोटे छोटे टुकड़े में शोषण करता था। ऐसे वो नियम बदलकर हर बड़ी नदियों में 5 किलोमीटर और छोटी नदियों में 8 किलोमीटर पर समिति बनाने का निर्देश हो गया, शासन आदेश जारी हो गया 22 तारीख को। एक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एरेटर सिस्टम है, जो महिला पट्टे धारक है उनके लिए हम 75,000 का 50% सब्सिडी पर दे रहे हैं और जिससे मछली कम बने ग्रोथ का। पहले की परंपरा थी कि मछली पालन में ग्रोथ तो है, फायदा तो है, लेकिन हमें पौंड चाहिए, जल चाहिए या बड़ा जमीन चाहिए, लेकिन अभी हाई टेक हो गया है, अब हम टैंक में भी मछली पाल सकते हैं और छोटे हाई टेक बायोफ्लॉक है शहरों में भी पाल सकते हैं और बुंदेलखंड जैसे जहाँ पानी कम है वहाँ भी पाल सकते हैं। ऐसे में हाई टेक्नोलॉजी के हिसाब से पाल करके आगे हमारे यहाँ मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है, उसमें मुख्य रूप से उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके कोचिंग के लिए, उनके बच्चों को मेधावी छात्रों को आगे कापी किताब खरीदने के लिए, आज के उनके इलाज के लिए, उनके मकान के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिटीज हाल के लिए, उनके महिलाओं के बच्चों को क्या नाम है शादी के लिए, महिला सशक्तिकरण के नाम पर अभी मैंने माता सुकेता के नाम पर 4.5 करोड़ का केज कल्चर है, इसमें हम महिलाओं को जो केज कल्चर दे रहे हैं सिद्धार्थनगर और सोनभद्र और ललितपुर में कि वो जलाशय में जलाशय डाल के चढ़ेंगे। ऐसे में निषाद राजबोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से इनको 60% सब्सिडी, महिलाओं को सामान्य को 40% देकर लाभान्वित कर रहा है। आपने अधिकारियों पे बहुत सवाल उठाए थे, आपके विभाग में अधिकारी जो हैं वो सब सुनवाई कर रहे हैं, आपको लग रहा है जो आपकी योजनाएँ हैं वो लोगों तक पहुँच रही हैं? अधिकारियों की कड़ी मेहनत की वजह से कि जो हमने शासन आदेश बदला है, 83 से कोई इसको छू नहीं रहा था और आज के दिन में सफलता मिली कि कम से कम कमजोर लोग काम करेंगे। पहले में था कि 3-3, 4-4 साल के पेमेंट नहीं होते थे, अभी मैंने पिछले सब लगभग बड़े प्रोजेक्ट को छोड़कर सभी प्रोजेक्ट धरातल पर स्टार्ट हो चुके हैं, पिछले साल के हैं जो स्टार्ट हो जाएंगे। ग्रोथ अगर अधिकारियों से नहीं लेते तो हमारा प्रोडक्शन ग्रोथ अच्छा नहीं होता, आज अधिकारियों की देन है कि जो हम काम कर रहे हैं। अब आपने 10 प्रभारी उतारे हैं उपचुनाव में, तो क्या आपको लगता है वो प्रभारी भी प्रत्याशी बन सकते हैं इसलिए उतारे हैं या उनको सिर्फ प्रभारी ही बनाया है? नहीं नहीं, हमें क्योंकि NDA के साथ हैं तो मित्र का काम होता ना, मित्रता करना, भगवान राम की सहायता निषाद राय ने की थी, तो हम 100 सीट पर सहायता करेंगे तभी जहाँ सीट हम लड़ेंगे वहाँ भाजपा पर सहायता करेंगे, तो जब सहायता किए रहेंगे तो हमें सहायता करेंगे। आरक्षण को लेकर आपका क्या मानना है, जातिगत जनगणना हो चाहे उसको लेकर क्या कहते हैं आप? आरक्षण तो निश्चित रूप से एक अधिकार है, एक अवसर है, इनकी सुरक्षा है, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा इनकी है, ये सुरक्षा ही छीनने वाले लोग हैं, पिछली सरकार ने इनका छीना, इसलिए एक आरक्षण सेना बनाकर अब छीनने वालों को पर्दाफाश करना और फिर उसको परिभाषित जो संविधान में मिला हक लेने के लिए इनकी तैयारी चल रही है। 70,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में पिछड़ा वर्ग प्रदर्शन कर रहा है, कह रहा है कि हमारा लागू नहीं कर रही सरकार, आरोप लगा रहे हैं कि ढीला हीला हवाली कर रही है। सरकार हम जो अब तक पता किया कि किसी के साथ अन्याय न हो, किसी एक भी अभ्यर्थी के साथ कोई मतलब उनके साथ किसी भेदभाव न हो, ये हमारी मतलब हमको लगता है जिस पर विचार चल रहा। आप लोगों का जो सहयोगी दल है, तो क्या आप लोग भी उपचुनाव में चाहते हैं सीट मिले, जो कि चाहे अपना दल हो, आपका ओम प्रकाश राजभर हो, निषाद पार्टी हो, आपका अपना मत क्या है? देखिए हमारे तो 2 सीट पहले थे, एक पे हमें जीते हुए थे जो सांसद हैं, दूसरे पे हम कम वोटों से हारे, और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि जो सीटें जो लड़ती रही है उसको जीतता और सब मिलके जीत सुनिश्चित करते हैं। आपने कहा कि जो आपका प्रत्याशी है अगर आपके चुनाव चिन्ह पर लड़ता तो ज़्यादा जीत जाता, बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर जीत नहीं हुई है, उसके बारे में क्या कहना है?
निश्चित रूप से जैसे हमारी जो चुनाव चिन्ह है उसे बीजेपी से जो नाराज होते हैं वो भी वोट दे देते हैं भोजन भरी थाले, बीजेपी वाले तो देते ही हैं, जो थोड़ा बहुत नाराज है वो भी दे देते हैं, निषाद पार्टी को रहता ही है और जो प्रत्याशी लड़ता है वो 4 वोट मिल जाते हैं, इसलिए जीत अच्छी सुनिश्चित हो जाती है। नहीं तो क्या निषाद पार्टी का चुनाव चिन्ह होना चाहिए आपके प्रत्याशी? हमारे भी हमारी जो सीटें हों, हमारा जो प्रत्याशी हो वो निषाद पार्टी के ही सिंबल से लड़े तो बेहतर सीट होती है, बेहतर रिजल्ट आएगा। धन्यवाद। तो ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद हो या कह सकते हैं अनुप्रिया पटेल हो, सभी उस पूरे मामले पर अपनी सीटों को लेकर जिक्र करते हैं कि उपचुनाव में पूरी तैयारी से बीजेपी को लड़ा रहे हैं, लेकिन साफ तौर से संजय निषाद का कहना है कि अगर उनके चुनाव चिन्ह पर टिकट दिया जाए या दिया जाता तो जीत ज़्यादा सुनिश्चित होती कंपैरिजन बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव आज तक।